वेलकम टू टेलेंट स्टडी। आज है 21 सितंबर 2020 और 21 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम उसको भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि इंस्टाग्राम पे डेली हम स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज्ड रिसेंटली। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है जो हाल में रिलीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 116। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड MMUI स्कीम। हाल में किस राज्य सरकार ने MMUI योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल में MMUI योजना शुरू की है। अब ये MMUI योजना ये है क्या, इसके फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसकी शुरुआत हाल में गुजरात सरकार ने की, तो शुरुआत गुजरात ने की है। तो गुजरात इसके कैपिटल कहाँ है, तो गुजरात के कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर जो वर्तमान में हमारे गृहमंत्री हैं अमित शाह, उनका लोकसभा क्षेत्र है। गुजरात के वर्तमान में CM है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हाल में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 21 सितंबर। 21 सितंबर को हाल में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाता कौन है, इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। अब बात है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1982 में। अब बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, अगर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो वो 5 अक्टूबर। अच्छा, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, उसको भी मनाया जाता है। उसके बाद आया 4 सितंबर, एक और था 4 सितंबर को था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 8 सितंबर, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे। उसके बाद 12 सितंबर, 12 सितंबर को साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। उसके बाद में रेड पांडा डे, रेड पांडा डे 19 सितंबर। अब यह है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स। कुछ छूट गए तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा, अगर आपने लिखा हो तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। अब ये आप हैबिट डेवलप कर लीजिए, जब भी सितंबर महीने की या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात आती है तो एक डेट को पकड़िए और उस महीने के उससे पीछे के जितने भी हाल में मनाए गए हैं राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, तभी जाके ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद हो पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो 5 बजे अपलोड होती है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और समय पर आप इस वीडियो को देख पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसेंटली हु हैज़ बीन लिस्टेड इन 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाल में किसे 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उदित सिंगल। उदित सिंगल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो यंग लीडर का लिस्ट है 2020 का, उसमें शामिल किया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं उदित सिंगल, सबसे पहले भारतीय मूल के हैं, भारत के कैपिटल है नई दिल्ली, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनका जो वर्तमान में उम्र है 17 वर्ष है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लिस्ट है यंग लीडर का, इसमें शामिल होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति हैं। अच्छा, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यंग लीडर्स, ये जो लिस्ट है इसको तैयार कौन करता है या फिर प्रिपेयर कौन करता है, तो ये करता है यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन 2020 डाल्टन लिटरेसी पीस प्राइज रिसेंटली। डाल्टन साहित्य शांति पुरस्कार किसने जीता है 2020 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड। अच्छा, मार्गरेट एटवुड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं कनाडा से। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में।
किस लिए दिया जाता है? तो जितने भी नॉवल प्रकाशित होते हैं या फिर फिक्शन या फिर स्टोरी, तो उन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अब जो लिटरेसी पीस प्राइज है, लिटरेचर का पीस प्राइज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 2018 में नहीं दिया गया था, उसको भी 2019 में दिया गया है, और साथ साथ 2019 का भी दिया गया है। तो पीटर हैंडके हैं उनको 2019 में दिया गया है, और ओल्गा टोकारजुक को 2019 में दिया गया है 2018 के लिए। अच्छा, ये जो अवार्ड है 2020 डाल्टन लिटरेसी पीस प्राइज, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। किस लिए? तो एक पीस एकॉर्ड हुआ था, बोस्नियन वॉर हुआ था, उसके ख़त्म होने पे एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ था 1995 में। तो उसी दिन से ये डाल्टन लिटरेरी पीस प्राइज इसकी शुरुआत की गई थी 1995 से। विच बैंक स्टार्टेड आई आइडियाज 2.0 स्कीम रिसेंटली? हाल में किस बैंक ने आई लीड 2.0 योजना शुरू की है? आई लीड 2.0 स्कीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनरा बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। अब ये जो आई लेट 2.0 स्कीम, इसी से रिलेटेड था। आई स्टार 2.0 उसको शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने शुरू किया था आई स्टार 2.0 स्कीम। अब ये जो है आई लीड 2.0 स्कीम, इसको शुरू किया कैनरा बैंक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल? हाल में राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सेन वॉर्न। अच्छा, सेन वॉर्न ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है, यानी कि जो लोग हैं वहाँ के, तो टोटल आबादी का 60-70% आबादी हर साल किसी ना किसी तरीके से गेम से जुड़ते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ऑप्शन सी है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो होगा उसमें गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो है ऑप्शन डी कपिल देव, इनको हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी का, यानी हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी बोले यूनिवर्सिटी बोले, उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, कपिल देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री हैज रैंक फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज FIFA ए रैंकिंग, यानी कि फीफा रैंकिंग? हाल में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम टॉप पे है, फ्रांस सेकंड नंबर पे, ब्राज़ील थर्ड नंबर पे। अच्छा, भारत, भारत का रैंक कितना है? तो भारत का 2 महीने पहले जो रैंक जारी किया था उसमें था 108, या फिर पिछले वर्ष तक 108 था। वर्तमान में जो नया डेटा रिलीज किया है फीफा ने उसमें भारत का रैंक है 109। अब बात है फीफा की, तो फीफा की कैपिटल कहाँ, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसके वर्तमान में हेड है गियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, ये जो है बेल्जियम, इसने टॉप किया है, तो इसके कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह बन जाता है, ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अच्छा, कुछ समय पहले मैंने बताया था वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है, तो बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। किसका? तो बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द क्लीननेस कैफे? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में CM है जयराम ठाकुर, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अच्छा, ये क्या है स्वच्छता कैफे, यानी कि क्लीननेस कैफे? कुछ समय पहले मैंने बताया था एक है गार्बेज कैफे, यानी कि भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में। तो उसका पर्पज़ क्या था? उसका पर्पज़ था आप कोई भी अगर व्यक्ति कचरा कलेक्ट करके अगर कचरा उस सेंटर पर जमा करेगा तो उसको कचरे के बदले भोजन दिया जाएगा भरपेट। तो इसका पर्पज़ तो यही है कि कचरा खत्म हो और भूख से भी लोग मरे नहीं। तो सेम इसका भी वही पर्पज़ है स्वच्छता कैफे का, इसमें भी लोग कचरा देंगे और कचरा के बदले उनको भरपेट खाना दिया जाएगा।
अब बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट के करंट अफेयर बनते हैं। 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। NEP यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला। अच्छा, गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय। CM को तो बताया मैंने, जयराम ठाकुर, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, उन्होंने शुरुआत की है स्वच्छता कैफे यानी कि क्लीननेस कैफे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली इन विच स्टेट अन्न उत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड। हाल में अन्न उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव हाल में शुरू किया गया है। अच्छा, ये क्या है? तो जितने व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, फिर राशन कार्ड से वो नहीं जुड़े हैं, तो उनको रियायती दर पे राशन दिया जाएगा इस उत्सव के दौरान। अच्छा, जो मध्य प्रदेश है उसको सोया स्टेट भी बोलते हैं और टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में नेशनल पार्क की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गार्बेज क्लिनिक, भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़, तो उसको आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। अच्छा, जो चौथी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जनसंबल योजना यानी कि मुख्यमंत्री जनसंबल योजना शुरू किया था। उसका पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस था वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, उसने सेफ सिटी भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया लगातार चौथी बार। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश से हैं, उनका मतलब अगर गवर्नर की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का। क्यों दिया गया है? तो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी के वजह से वहाँ पे गवर्नर का जो पद है वो खाली है, तो उसी लिए एडिशनल चार्ज दिया गया आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, ये जो थे लालजी टंडन, इनके नाम से एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर ये बना है कि उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ, लखनऊ से हरदोई का जो सड़क था उसका नाम बदल कर रखा गया लालजी टंडन मार्ग, और उसी पे शहर पे एक चौराहा है जिसका नाम रखा गया है लालजी टंडन स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट बाइक एम्बुलेंस। हाल में भारत का पहला बाइक एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में भारत का पहला बाइक एम्बुलेंस शुरू किया गया है। कुछ समय पहले गुजरात में सी प्लेन सर्विस शुरू किया था। अच्छा, ये जो है बाइक एम्बुलेंस, तो बाइक होगा, उससे पहले शुरुआत है कुछ समय पहले एयर एम्बुलेंस केरला में। अगर वाटर एम्बुलेंस की बात करते हैं जिसके नाम है प्रतीक्षा, वो कहाँ पे शुरू किया गया था? केरला में, तो उसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान यहाँ पे शुरू किया गया है इंदिरा रसोई योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू किया गया है। तो वर्तमान बात है राजस्थान की, राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? राजस्थान के CM है वर्तमान में अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पूर्योदय इनिशिएटिव। हाल में पूर्योदय पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टील मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बोले या फिर इस्पात मंत्रालय बोले। तो वर्तमान में हमारे इस्पात मंत्री कौन है? तो है धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और इस्पात यानी कि स्टील एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, अब बात है स्टील की, तो भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पे खोला गया था? तो जमशेदपुर में 1907 में। अच्छा, अगर बात करें स्टील की प्रोडक्शन की बात, तो विश्व में कौन सा देश स्टील की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है? तो चाइना करता है, भारत है चौथे नंबर पे। ये क्वेश्चन बनाया हाल ही में बिहार पुलिस SI में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ये जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले था HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल कर रखा गया एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली वेयर एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट जेट टर्मिनल इनॉग्रेटेड। हाल में भारत का पहला अजय निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में शुरू किया गया है भारत का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल। बात है दिल्ली की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे खोला गया? तो नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली हाल ही में नई दिल्ली ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को भी शुरू किया था। अच्छा, ई कचरा के मामले में भारत का पहला यूनिट रेट या फिर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में है दिल्ली में ई कचरा, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो चाइना में है। पॉल्यूशन के मामले में बात करें तो पॉल्यूशन के मामले में भी दिल्ली पहले नंबर पर है। बात है दिल्ली की,
तो दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले या फिर गवर्नर बोले, वो हैं अनिल बैजल। अच्छा, इसको शुरू किया कौन किया था, किसने किया था इसको शुरू, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट जेट को, भारत का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल था, इसको शुरू किसने किया था? तो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया गया था, शुरू किया था, शुरू किया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, भारत में COVID-19 टेस्टिंग देने वाला या फिर COVID-19 टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिसेंटली? हाल में किसने स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर पहले नंबर पे, हेलिस्की है दूसरे नंबर पे, जूरिक है तीसरे नंबर पे, ऑकलैंड चौथे नंबर पे। अच्छा, भारत के कितने सिटी हैं इसमें शामिल? टोटल 7 सिटी हैं, जिसमें 85वां रैंक हैदराबाद का। कौन कौन सिटी इसमें शामिल है भारत का? न्यू दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है और बेंगलुरु है, जिसमें हैदराबाद का रैंक है 85। अगर टॉप 100 की बात करें तो उसमें एक शामिल है हैदराबाद 85, किसमें? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल है। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अब बात है क्वेश्चन नंबर डे की। क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर समिट हेल्ड वर्चुअली? हाल में ब्रिक्स कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रियों का बैठक हुई है, वर्चुअली हुई है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आपके ऑप्शन है संजय धोत्रे, प्रहलाद सिंह पटेल, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।